जी अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे पास गाड़ी आई है, टोयोटा कैमरी 2014 मॉडल है। उसमें मसला ये है कि गाड़ी बिल्कुल रेस नहीं ले रही। रेस क्यों नहीं ले रही कि किसी मैकेनिक ने उसका जो है थ्रोटल खोल के क्लीन किया, उसके बाद वो कह रहा है जी गाड़ी रेस नहीं ले रही। तो चल के देखते हैं क्या मसला है और उस फॉल्ट को क्लियर भी करेंगे। उससे पहले हम इसका वायरिंग का डायग्राम एक दफ़ा रीड कर लेते हैं कारमैन एसटीडी से। तो ये इसका कंप्लीट वायरिंग का डायग्राम निकला है। ये हमारा एक्सीलेटर पैडल पोजीशन सेंसर है, इसकी भी 6 वायर हैं, 6 की 6 वायर ECM में जा रही है। हमने देखना है कि थ्रोटल कहाँ पे है। ठीक है, थ्रोटल को हम चेक करते हैं। ये आ गया हमारा थ्रोटल बॉडी। ठीक है, थ्रोटल बॉडी असेंबली, इसकी 6 की 6 वायर ECM में जा रही हैं। ये हमारा ECM में ये देख सकते हैं। और थ्रोटल बॉडी जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं निसान टोयोटा की, आलमोस्ट जितनी भी हैं उनके 6 वायर वाला थ्रोटल होता है और 6 की 6 वायर ECM में जाती हैं। 2 वायर मोटर की होती हैं जो मोटर को ऑपरेट करती हैं, 2 वायर सेंसर का सिग्नल होता है जो आउट निकल के ECM को देता है, और 2 वायर एक ग्राउंड की होती है और एक 5 वोल्ट की वायर होती है। ठीक है, ये अब हमारा थ्रोटल बॉडी है, इसके अंदर टोटल 6 वायर हैं। ब्लैक कलर की वायर 1 नंबर, वाइट कलर की वायर 2 नंबर, M-M+। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वायर ECM से आएंगी जो थ्रोटल को ओपन और क्लोज करेंगी। ये 2 वायर कंप्लीट हो गई। आगे ये हमारी येलो, ब्लैक, वाइट, रेड। ठीक है, और जो 3 नंबर रेड वायर है ये हमारी E2 अर्थ ग्राउंड है। ये हमारी है जी VTA2 VTA1। ठीक है, येलो और वाइट 2 वायर सिग्नल की होगी, सेंसर 1 सिग्नल, सेंसर 2 सिग्नल, और VC। ठीक है, ये हमारी है जी 5 वोल्ट की वायर। इसकी मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है कि वायरिंग का डायग्राम किस तरह चेक करना है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा उसका। तो मतलब कहने का है कि ये 6 की 6 वायर ECM में जा रही हैं। ये देख सकते हैं 2 वायर सेंसर का सिग्नल, 1 वायर ग्राउंड, 1 वायर 5 वोल्ट और 2 वायर मोटर की ECM से आती हैं जो थ्रोटल को ओपन और क्लोज करती हैं। ठीक है, अब चलते हैं जाके देखते हैं गाड़ी में क्या मसला है। तो ये जो गाड़ी है टोयोटा कैमरी है, 2014 मॉडल है। गाड़ी में एक इशू आ रहा है, गाड़ी को जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं एक तो गाड़ी रेस नहीं ले रही, इसका जो एक्सीलेटर वाला पैडल है वो काम ही नहीं कर रहा। गाड़ी को पहले स्टार्ट करता हूँ। ये गाड़ी को जैसे ही मैंने स्टार्ट किया ये आपके सामने है, इसका RPM 1000 से ऊपर जा रहा है और थोड़ी देर बाद इसकी चेक इंजन की लाइट भी आ जाएगी। तो अभी इसलिए नहीं आ रही, इसको मैंने पहले क्लियर कर दिया, अभी थोड़ी देर में इसकी चेक इंजन की लाइट भी आएगी। उससे पहले मैंने इसको स्कैन किया है, अभी भी इसके कोड जो हैं स्कैनर में क्या आ रहे हैं ये आप देख सकते हैं। थ्रोटल एक्चुएटर कंट्रोल सिस्टम पोजीशन स्टक इज स्टक इन ओपन, पेंडिंग में भी है, करंट में भी है, हिस्ट्री में भी है, P2111 P2111 ये इसमें कोड आ रहा है। तो आज इस वीडियो में इस फॉल्ट को क्लियर करेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखें। ये आप देख सकते हैं अभी चेक इंजन की लाइट इसकी दोबारा आ गई है, ये मसला है गाड़ी में। और दूसरा ये आप देख सकते हैं, मैं जैसे ही एक्सीलेटर वाला पैडल प्रेस करूँगा यहाँ पे गाड़ी को रेस लेनी चाहिए, गाड़ी रेस भी नहीं ले रही। तो ये मसला है गाड़ी में। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इस कोड को यहाँ पे क्लियर करना है। गाड़ी को बंद कर लेते हैं, इग्निशन स्विच ऑन कर लेते हैं, यहाँ से इसको यस कर देते हैं, दोबारा यस कर देते हैं, तो कोड इसके क्लियर हो गए हैं। तो गाड़ी को अब दोबारा स्टार्ट करते हैं, हो सकता है गाड़ी ठीक हो जाए। तो गाड़ी को मैंने स्टार्ट किया है, चेक इंजन की लाइट इसकी सेम पहले की तरह चली गई है लेकिन गाड़ी रेस नहीं ले रही है, आपके सामने है। तो चेक इंजन की लाइट चली गई है इस, तो ये आप देख सकते हैं रेस ही नहीं ले रही गाड़ी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, बहुत ही आसान सा तरीका कार है इसका, स्पेशल फंक्शन में जाना है, यहाँ से हमने करना है जी लर्निंग वॉल रीसेट। अभी गाड़ी का RPM आप देख सकते हैं तकरीबन 1200 से ऊपर है। तो हमने क्या करना है, लर्निंग वॉल रीसेट पे जाना है, इसको सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ से हमने करना है इसको ओके। अब वो बोलता है इग्निशन ऑन होना चाहिए, इंजन आपका ऑफ होना चाहिए, बैटरी के वोल्टेज जो हैं 9 वोल्ट से ऊपर होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी
ठीक होंगी तो फिर आपकी कैलिब्रेशन होगी। तो सबसे पहले हमने गाड़ी को बंद करना है, इग्निशन स्विच हमने ऑन कर देना है, उसके बाद इसको हमने कर देना है, ये नीचे आपको नेक्स्ट नज़र आ रहा है, इसको सिलेक्ट कर लिया। नाउ रीसेटिंग प्लीज़ वेट। तो लर्निंग वाल रीसेट इज़ कम्प्लीट, तो मतलब कि हमारी जो लर्निंग वाल कैलिब्रेशन है वो कम्प्लीट हो गई है। तो यहाँ से बैक आते हैं, गाड़ी को करते हैं दोबारा स्टार्ट। तो ये गाड़ी को मैंने जैसे ही स्टार्ट किया है चेक इंजन की लाइट चली गई है, आरपीएम थोड़ा सा नीचे आ गया है। तो यहाँ से हमने बैक आना है, अब हमने क्या करना है, लाइव डाटा खोलना है, सबसे पहले आरपीएम चेक करना है इसका। ये आ गया जी इंजन स्पीड, इसको सिलेक्ट कर लिया, ये आपके सामने है, अभी 1000 से नीचे आ गया है, 900 से लेके 1000 के अंदर ये फ्लक्चुएट कर रहा है, तो गाड़ी रेस भी ले रही है। तो गाड़ी अब रेस ले रही है लेकिन इसका आरपीएम थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। अभी इसकी जो नूडल्स है वो एक पे आ गई है, बैक आना है, तो सेम पहले की तरह इंजन एंड ईसीटी में जाना है। तो यहाँ से इसको ओके कर देना है, स्पेशल फंक्शन में जाना है, लर्निंग वॉल रीसेट, यहाँ से ओके, सेम पहले की तरह द इग्निशन इज ऑन, इंजन इज ऑफ, बैटरी वोल्टेज अबव 9 वोल्ट, प्रेस नेक्स्ट। गाड़ी को बंद करते हैं, इग्निशन स्विच ऑन करते हैं, इसको फटाफट सेम पहले की तरह नेक्स्ट करते हैं। लर्निंग वॉल रीसेट इज कम्प्लीट, तो यहाँ से इसको बैक आ जाते हैं, ठीक है, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो गाड़ी को स्टार्ट कर दिया है, ये आप देख सकते हैं इसका जो आरपीएम है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है, मतलब 600 से लेके 700 के अंदर इसे फ्लक्चुएट करना चाहिए। लाइव डाटा खोलते हैं, यहाँ से इसको चेक करते हैं कि अब आरपीएम हमारा कितना शो कर रहा है। इंजन स्पीड को सिलेक्ट किया, ये आप देख सकते हैं ये 650 और 700 के दरमियान ये नीचे नीचे फ्लक्चुएट कर रहा है। मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए और गाड़ी भी रेस सही तरीके से ले रही है, ये आपके सामने है। तो अगर आपके पास इस तरह का इशू आता है, आप थ्रोटल को ना चेंज किया करें, अगर आपने थ्रोटल भी साफ़ कर दिया है तो इस तरह आप इसको 2 से 3 दफ़ा इसकी कैलिब्रेशन करें लर्निंग वाल की, तो इंशाल्लाह आपका भी मसला क्लियर हो जाएगा। तो गाड़ी को मैं गियर में डालता हूँ, गियर में डालने से थोड़ा सा आरपीएम इसका ज़्यादा होना चाहिए, आपके सामने है। तो अभी आरपीएम इसका बिल्कुल एक्यूरेट है अल्हम्दुलिल्लाह, गाड़ी में जो मसला था वो क्लियर हो गया। गाड़ी को थोड़ा ड्राइव भी करेंगे और चेक करेंगे। गाड़ी को बंद करके मैंने दोबारा स्टार्ट किया, ये आपके सामने है, ये जो इसकी आरपीएम वाली सुई है वो एक से अब नीचे आ रही है, मतलब कि गाड़ी हमारी ओके हो गई है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दें, अल्लाह हाफिज़।